Very good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome to the second edition of IBN 7 Bajaj Allianz Super Idol Awards. जी हाँ, मुंबई की धरती पर आज आप लगातार दूसरी बार कुछ ऐसी शख्सियतों से रूबरू होंगे जिनकी हिम्मत और जज्बे के आगे सारी दौलत, सारा सुख, सारी ख्वाहिशें बौनी लगेंगी. Yes, they are the ones who are super idols in true sense. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया. आप अपने कीमती समय में से वक्त निकाल कर आए और हमारी हौसला अफजाई की. दरअसल मुंबई में जब भी मैं आता हूँ मुझे थोड़ा डर लगता है. डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी शामें होती हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं. क्योंकि हमारी ये शाम बहुत छोटे लोगों की, बहुत छोटी छोटी कहानियों की शाम है. लेकिन जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा ये चाँद को छूना नहीं चाहते, ये आसमान के तारे तोड़ कर नहीं लाना चाहते, ये ज़िंदगी की जंग से चंद लम्हे अपने लिए लेके आना चाहते हैं. वो लम्हे जिनको देख कर, जिनको सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है जिंदगी जीने की, जिंदगी के उस लम्हे तक जीने की जहां जिंदगी जंग नहीं है, जिंदगी निहायत खूबसूरत हो जाती है. आईबीएन 7 की एक छोटी सी कोशिश है ये, चंद उन लोगों को आपके सामने रखने की जो जिंदगी की न जाने कितनी बड़ी जंग न जाने कब से लड़ रहे हैं, और उनको देख कर लगता है कि काश ये जिंदगी अगर अपनी संपूर्णता में होती तो बहुत खूबसूरत होती. जो बात मैं कह रहा हूं शायद अगर आप तस्वीरों की जबानी अगर सुने तो ज्यादा बेहतर होगा. IBN 7 बजाज आलियांज सुपर आइडल्स दैनिक भास्कर के सहयोग से. एक सम्मान जोश, जुनून और जज्बे का, भारत के इन बेमिसाल लोगों का जिन्होंने जीती जीवन की सबसे मुश्किल चुनौतियां और छुआ सफलता की नई बुलंदियों को. आइए देश के अग्रणी मीडिया हाउस के साथ सलाम करें जोश और हौसले को, नए दौर के इन योद्धाओं को जिन्होंने दिखाया है कि सीमाएं पार करने के लिए ही होती हैं और बाधाएं दूर करने के लिए. ये उत्सव है इंसानी जज्बे की जीत का. I want to say something before I introduce Salman, that on the 1st of November, when we were conceptualizing the event, we wanted a chief guest. Normally to get a chief guest takes at least 15 days. Salman accepted the invitation in 15 seconds. And I want to congratulate him for that. And उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस शो के बारे में लास्ट ईयर सुना था, लास्ट ईयर आमिर खान था, तो इस ईयर आमिर खान से बड़ा खान आएगा. And that's when Salman decided to come. In fact, Salman, when he decided to come to this show, also spontaneously announced that he will be giving his own cash prize of 1,11,000 to each of our winners today. So please welcome Salman Khan on stage. Ladies and gentlemen, one bigger hand for being human, the Dabang of the film industry, Salman Khan. Good evening, good evening. Salman, thank you very much for being here. Ye bataiye, what was the aim of you to start an organization called Being Human? Because film stars, we don't hear them or we don't see them doing the kind of charity perhaps that they do in the West. Mom and Dad have always been doing this kind of stuff. And a lot of people have been conning them. So we just thought that we'll, you know, just organize this and channelize this since we, as it is doing it, so we might as well do it in the correct manner. Kamal karte hai sir. Upar wale ko 45 saal lage banane ko, aapne isko 1 ghante mein bana diya. Wo bhi bina haathon ke. तो अब वो घड़ी आ गई जिसका आप सबको इंतजार था. साधारण लोगों की असाधारण कोशिश को सलाम करने का वक्त आ गया है. हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हर सुपर आइडल को अवार्ड के साथ साथ
एक लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी। आज की शाम की हमारी पहली कैटेगरी है आर्ट कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। आइए देखते हैं कि इस कैटेगरी के पहले सुपर आइडल कौन है। IBN सबम बजाज अलियांज सुपर आइडल्स दैनिक भास्कर के सहयोग से कैटेगरी आर्ट कल्चर एंड एंटरटेनमेंट मंजी भाई रमानी। काम करने के लिए हाथ चाहिए लेकिन जिसके हाथ ना हो वो क्या करे, वो क्या करे ये दुनिया को बताया अहमदाबाद के मंजी भाई रमानी ने। एक एक्सीडेंट ने राजकोट में पैदा हुए मंजी भाई की दोनों बाहें छीन ली लेकिन वो बिना हाथों के उठ खड़े हुए और जो काम हाथ से नहीं हो सकता उसे दांतों से करने लगे। वो माउथ पेंटिंग में जुट गए। मंजी भाई ने फाइन आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की है। सैकड़ों लैंडस्केप फिगरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बना चुके मंजी भाई एक आर्ट इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। साथ ही फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की मदद को भी आगे आगे रहते हैं। इंसान जो सोच ले वो कर सकता है, इसके लिए वो हाथ पैर का मोहताज नहीं, उन्होंने ये सच कर दिखाया। ये आप क्या दे रहे हैं मंजी भाई सलमान जी को? परसों मेरे को पता चला कि चीफ केसरी के सलमान खान साहब आ रहा है, तो परसों मैं अहमदाबाद का हूँ, तो परसों मेरे को टाइम मिला एक घंटा का, वो तुरंत मेरे को एक कागज़ लेके पेंसिल लेके बना के यहाँ लेके आया। कमाल करते हो सर, ऊपर वाले को 45 साल लगे बनाने को, आपने इसको एक घंटे बना दिया वो भी बिना हाथों को। ये बताइए कि ये करने में ये कब शुरू किया आपने और कितनी मेहनत लगी आपको? ये पेंटिंग करने में तो साहब बहुत मेरे को मेहनत किया, और जिंदगी में जहाँ जहाँ मैं गया, फाइन आर्ट करने कॉलेज किया मैंने, कॉलेज करने में गया, कहीं भी नौकरी ढूंढने गया तो लोगों ने सोचा कि दोनों हाथ नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, तो मेरी नौकरी भी वो जो मेरा सर्टिफिकेट था वो फाड़ के मैं तोड़ दिया। उसके बाद मैं इतना और एक नक्की कर लिया कि मैं जिंदगी में कुछ ने कुछ करके और बड़े बड़े लोगों के सामने कुछ करके दिखाऊंगा, और आज मैंने खुद की कॉलेज किया है, चालू है वहाँ। आपने कॉलेज शुरू किया अपना? अरे वाह सलमान, ये पेंटिंग अपनी गर्लफ्रेंड को देंगे या घर में रखोगे आप? सर आजकल गर्लफ्रेंड ही मुझे घर में रख रही है तो पेंटिंग भी घर में ही होगी। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन मंजी भाई, गिव हिम अ वेरी बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ कर गुजरने का जुनून जहां होता है वहां जिंदगी रहती है, खुदा होता है। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहां होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। बनते हैं बिगाड़ते हैं रातों से दिन उलझते हैं, यहाँ यहाँ गिरते हैं संभालते हैं कांटों से राह सजती है, यहाँ यहाँ बनते हैं बिगाड़ते हैं लजते हैं, यहाँ यहाँ गिरते हैं संभालते हैं कांटों से राह सजती है, यहाँ यहाँ थोड़ी सी धूप कड़ी छाँव भी कुछ घड़ी शाम कभी अंधेरे में खो जाती, यहाँ बारिश की झड़ी वहाँ किरणों की लड़ी कहीं पे फलक सुबह को पाती। कौन है जो माउथ और उसे कर रहा है? अच्छा वेरी गुड। आप मुझे दे देना, मैं भेज दूँ, आप मुझे देना और किसी को कुसुम, तुम इन सबको बुलाओ ना, हल्का कुसुम समझाएंगे।
Please, sir, please. Please, sir. Please, one. Thank you very much, sir.